आज हम लोग बाबू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो चैप्टर है उस पर हम लोग आज जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गिफ्ट। गिफ्ट के बारे में बोला है, टैक्सेबल इफ रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और HUF। गिफ्ट तभी टैक्सेबल होगा जब उसको इंडिविजुअल या फिर HUF रिसीव करेगा। गिफ्ट दो लोगों से मिलता है हमें, सबसे पहला एम्प्लॉयर और दूसरा है अदर देन एम्प्लॉयर। आइए सबसे पहले एम्प्लॉयर को देखते हैं। एम्प्लॉयर से अगर गिफ्ट मिल रहा है तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है। अगर कैश में मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल, और टैक्सेबल कहाँ पर ही होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन अगर काइंड में मिल रहा है तो एग्जेम्प्ट है अप टू ₹50,000, मतलब 50,000 तक आपका माफ है, उसके बाद टैक्सेबल है। वो ये भी कहाँ पर टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम सैलरी में। एक बात एकदम जहन में बैठा लो कि अगर गिफ्ट किससे मिल रहा है, एम्प्लॉयर से मिल रहा है, वो कैश में मिले या काइंड में मिले, कहाँ पर टैक्सेबल है बाबू, इनकम फ्रॉम सैलरी में। कैश में है तो फुल्ली टैक्सेबल है, और अगर काइंड में मतलब अदर देन कैश तो 50,000 तक माफ़ है, उसके बाद जो भी है टैक्सेबल है। अब आते हैं अगर यही गिफ्ट अदर देन एम्प्लॉयर से मिलता है। सर अदर देन एम्प्लॉयर का मतलब, अदर देन एम्प्लॉयर का मतलब एनी अदर। एग्जाम्पल मैंने दिया फ्रेंड्स, दूसरा रिलेटिव, या तो फ्रेंड्स हो सकता है या तो रिलेटिव हो सकता है। अगर फ्रेंड्स है इन कैश इन काइंड, फिर से हम देखेंगे कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है। अगर कैश में मिल रहा है फ्रेंड, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अगर काइंड में मिल रहा है तो आपको देखना पड़ेगा वो मूवेबल है या फिर इमूवेबल है। अगर मूवेबल है तो विदाउट कंसिडरेशन है या लेस कंसिडरेशन है, अगर इमूवेबल है तो विदाउट कंसिडरेशन है या लेस कंसिडरेशन, आपको देखना पड़ेगा, तभी जाकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। लेकिन अगर यही चीज़ किससे मिल रहा है, रिलेटिव से और अंडर ₹50,000, और ये क्या है बाबू, 50,000 से कम है, मतलब 50,000 के अंदर है, अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस नॉट टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड IFOS, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में अगर गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिलता है या फिर 50,000 के अंदर तक गिफ्ट मिलता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल नहीं है। तो सिंपल मतलब यही है बाबू कि अगर गिफ्ट अदर देन एम्प्लॉयर के केस में रिलेटिव से मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, और 50,000 से कम तो एग्जेम्प्ट है, ये रूल है। लेकिन अगर फ्रेंड से मिलता है तो ही टैक्सेबल है। तो इतने बड़े चार्ट के अंदर हमारे लिए जो काम का बात है, एम्प्लॉयर से अगर मिल जाए तो ये तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा नहीं, मतलब ये हमारे काम का नहीं है। यही चीज़ यहाँ पर देखिए आप, अदर देन एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो अगर इसका दूसरा एक पार्ट है रिलेटिव, तो ये रिलेटिव वाला भी हमारे काम का नहीं है। मतलब हमें फोकस कहाँ पे करना है बाबू, फ्रेंड्स में। ये वाला जो पोर्शन है यही आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का पोर्शन है। होप सो आपका क्लियर होगा। यहाँ पर हमने एक चीज़ को छोड़ा था, कैश को नहीं समझाया, जो मैं समझाने जा रहा हूँ। अगर गिफ्ट कैश में मिलता है तो वेयर एनी सम ऑफ मनी इज रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल और HUF From any person or persons without adequate consideration, the aggregate value of which exceeds ₹50,000। अगर हमको अमाउंट मिलता है, कौन रिसीव करता है, इंडिविजुअल या HUF, किससे रिसीव करता है, कोई भी पर्सन से, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब जो पैसा मिलना चाहिए मुनासिब दाम वो नहीं मिलता है, तो पूरा का पूरा एग्रीगेट वैल्यू अगर एक्सीड करता है 50,000, दिस होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट और एसेसी। सिंपल बात ये कि अगर हमारा पैसा 50,000 से ज़्यादा आता है कैश में तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इन अदर वर्ड्स, मैंने सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करी, अगर गिफ्ट किस में मिल रहा है बाबू, कैश में, और वो क्या हो जा रहा है, एक्सीडिंग ₹50,000, फुल्ली टैक्सेबल। हम एग्जांपल देके आपको समझाते हैं, आइए देखते हैं एग्जांपल। मान लेते हैं मेरी फ्रेंड है प्रीति, ये हमको दे रही है गिफ्ट 30,000 का। अनीशा ये हमको दे रही है 15,000। इरम ये हमको दे रही है 10,000।
नगमा ये हमको दे रही है 5,000। यहाँ पे अमाउंट टोटल हो रहा है 30,535, 10,45, 5,50,000। अब आपको बताना है कि ये टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। बच्चे कह रहे हैं कि ये फुल्ली टैक्सेबल है। नहीं सर, फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्योंकि ये 50,000 से एक्सीड नहीं हुआ है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमको इरशाद दे रहा है 10,000 का गिफ्ट, तंजील दे रहा है 5,000 का गिफ्ट, आलिया दे रही है 20,000, सबा दे रही है 5,000 का गिफ्ट। देखिए टोटल करते हैं 10, 5, 15, 5, 20, 40,000। सवाल आपसे फिर है कि क्या ये टैक्सेबल है। नहीं सर, अभी भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। चलिए अच्छी बात है, आप लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं। हमको गिफ्ट मिल रहा है तहज़ीन से 10,000 का, नाजरा से 10,000 का, आलिया से 20,000 का, इरम से 40,000 का। 40, 20, 60, 10, 70, 10, 80, टोटल 80,000। अब आपसे हमारा सवाल ये है कि क्या ये टैक्सेबल है। हाँ सर, फुल्ली टैक्सेबल है, क्योंकि ये 50,000 से एक्सीड कर रहा है। ठीक है, 50,000 से एक्सीड कर रहा है, टैक्सेबल है। मतलब 30,000 टैक्सेबल है। नहीं सर, बच्चे कह रहे कि नहीं, 30,000 से टैक्सेबल नहीं है। कितना से है? 50,000 टैक्सेबल है। एकदम गलत जवाब, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आंसर क्या है सर? आंसर है 80,000। मतलब ये हुआ कि अगर 50,000 से एक्सीड करेगा तो द एग्रीगेट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। मतलब पूरा 80,000 फुल्ली टैक्सेबल है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी 50,000 से आपका अमाउंट एक्सीड करेगा, इसका मतलब 50,000 नहीं सर, 50,000 से जितना ज़्यादा एक्सीड करेगा फुल्ली टैक्सेबल है। हम एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। मान लीजिए एक फ्रेंड है मेरा, फ्रेंड वन, इससे हमको 6,000 का गिफ्ट मिल रहा है। एक फ्रेंड है मेरा फ्रेंड टू, इससे हमको 44,000 का गिफ्ट मिल रहा है। एक फ्रेंड मेरा फ्रेंड थ्री, इससे हमको 10,000 का गिफ्ट मिल रहा है। यहाँ पर हो जा रहा है 60,000। सर, फुल्ली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 60,000, पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल है।